साल 2020 कोरोना महामारी के बीच बीत चुका है। अब दुनिया भर के लोगों को वर्ष 2021 से राहत भरी खबर की उम्मीद है। दुनिया इस बात की आस लगाए हुए है कि नया साल राहत लेकर आएगा, लेकिन विश्व प्रसिद्ध बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा बेंगा ने भारत समेत दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवक्ता के बारे में बताएंगे जिसे इस दुनिया को अलविदा किए हुए करीब 25 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी आज भी सच साबित हो रही है। बुल्गारिया में जन्मी बाबा बेंगा जब 12 वर्ष की थी तब एक रहस्यमयी तूफान ने उनकी दोनों आंखें छीन ली, लेकिन इस घटना के बाद कुदरत की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई कि बाबा बेंगा दुनिया भर की भविष्यवाणी बताने लगी और उनके द्वारा अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं उनमें से अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। बाबा बेंगा 85 वर्ष की उम्र में सन 1996 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आज भी उनकी भविष्यवाणियां लोगों को रह रहकर याद आ रही हैं। आज हम आपको पहले बताएंगे कि बाबा बेंगा की गई भविष्यवाणियां कौन सी सच साबित हुई हैं। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। अब तक की भविष्यवाणी में बाबा बेंगा ने बताया था कि 2004 में सुनामी आएगी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई। उन्होंने बताया था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी मूल का होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएसएसआर के टूटने के बारे में भी काफ़ी पहले बता दिया था और 1991 में वह टूटकर रूस में सिमट गया। बाबा बेंगा ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की भी बात बताई। उन्होंने कहा था अमेरिकन भाइयों पर स्टील बर्ड्स हमला करेंगे जिसमें निर्दोष लोगों का खून बहेगा। दो भाइयों की व्याख्या ट्विन टावर से की गई और स्टील बर्ड्स से मतलब हवाई जहाज से निकाला गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाज टकरा दिए गए थे जिसमें दोनों टावर ध्वस्त हो गए और उसमें काम कर रहे हजारों लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट नेता स्टालिन की तो उन्होंने मौत की तारीख भी बता दी थी। बेंगा ने 2016 में यूरोप पर इस्लामी आतंकवादियों के हमले की भविष्यवाणी भी की थी, जो कि पूरी तरह से सच साबित हुई। बाबा बेंगा ने 2021 के लिए जो भविष्यवाणी की है उसमें सबसे राहत भरी खबर ये है कि उन्होंने कहा है कि 2021 में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की है कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे और वे ब्रेन ट्रामा तक पहुंच सकते हैं और वो बहरे भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो भविष्यवाणी है, 45वें राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। यदि बाबा बेंगा की ये भविष्यवाणी सच साबित होती है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चिंता भरी खबर है। बाबा बेंगा ने और कौन सी 2021 के लिए भविष्यवाणियां की हैं आप ये भी देखिए। बाबा बेंगा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा रूसी राष्ट्रपति के बारे में भी बताया है कि रूस के राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश होगी और केमिकल हथियारों का उदय शुरू होगा। उन्होंने बताया था कि लोगों की चेतना बदल जाएगी, मुश्किल समय आएगा और लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से दुनिया में बढ़ जाएंगे। हम भयानक घटनाओं को होते हुए देखेंगे जो कि मानवता को बदल कर रख देगी। भविष्यवाणियों को समझने वाले लोगों का कहना है कि इस भविष्यवाणी में वह महामारी के बारे में बता रही हैं। इस बारे में भी देखें तो ये सच ही है, महामारी आ चुकी है और जिस तरह वायरस म्यूटेट हो रहा है अगले साल और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। बाबा बेंगा ने 2021 में धरती पर चीन का कब्जा उनकी बड़ी भविष्यवाणी में सबसे ज़्यादा चर्चित है। 2021 में एक ड्रैगन पूरी तरह से धरती को ढक लेगा। बाबा बेंगा ने बताया कि एक बड़ा ड्रैगन मानवता को अपने कब्जे में ले लेगा।
तीन देश एकजुट हो जाएंगे, कुछ लोगों के पास लाल पैसा आ जाएगा। विश्लेषक इस भविष्यवाणी में ड्रैगन की व्याख्या नई ताकत बनकर उभरे चीन से कर रहे हैं और तीन देशों की 21 सदी की महाशक्ति भारत, रूस और चीन को एकजुट होने की तरफ इशारा बता रहे हैं। बाबा वेंगा के अनुयायी दुनिया में रेड मनी को 100 युआन और 5000 रबल बता रहे हैं। ये दोनों मुद्राएं लाल रंग की हैं। बाबा की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हो और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाल वाली सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और यदि आप हमें Facebook में देख रहे हो तो हमें लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।